दोस्तों कई बार हमारे साथ होता है कि हम फोन को रात भर चार्जिंग में लगाते हैं लेकिन हमारा फोन चार्ज नहीं हो पाता है और वो सिर्फ 8-10% ही चार्जिंग दिखाता है, और जब हम उसे यूज करते हैं तो 2-3 मिनट में ही वो चार्जिंग फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है, फोन अचानक से बंद हो जाता है। कभी कभी दिखाता है कि फोन 20% चार्ज हो गया, 30% चार्ज हो गया, या 100% भी हो जाता है, और जब यूज करने की बारी आती है तो वही वो धड़ाम से उसकी चार्जिंग बिल्कुल एकदम जीरो हो जाती है, फोन बात करते हुए कट जाता है, कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम आपको आती है। तो उसके लिए हमारे 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन यह है कि जो USB केबल हम यूज करते हैं वो हमारी ख़राब हो सकती है, वो आपको चेंज करवा के देख ले, अगर वो भी ओके है तो दूसरा रीजन हो सकता है हमारा इसका जो चार्जिंग पोर्ट होता है वो आपका डैमेज हो सकता है, ये चेंज करवा के देख ले, अगर ये भी ओके है। इसके बाद तीसरा रीजन होता है कि आपकी फ़ोन की बैटरी ख़राब होगी हो गई होगी। वो फ़ोन की बैटरी किस तरह ख़राब होती है उसका उसके बारे में जानने के लिए आप देख सकते हैं कि इसका ये बैटरी का एरिया है, और यहाँ पर अगर आप हाथ फेरोगे तो इसमें थोड़ी उभरी हुई सी नज़र आएगी, अगर ये उभार है इसमें यहाँ पर तो इसका मतलब बैटरी डैमेज हो चुकी है और उससे चेंज करना पड़ेगा अभी आपको। लेकिन मेरे केस में क्या था कि ना इसकी बैटरी ख़राब थी, ना चार्जिंग पोर्ट ख़राब था, और ना ही ये USB केबल ख़राब थी। मैंने ये फ़ोन अपना लोकल टेक्नीशियंस को दिखाया और सर्विस सेंटर में भी दिखाया। लोकल टेक्नीशियन इसके 2200-2300 रुपये मांग रहे थे सही करने के, और जबकि सर्विस सेंटर 3000-3500 रुपये मांग रहा था। उन्होंने बोला कि आपका बैटरी चेंज होगा, पोर्ट चेंज होगा, और अंदर का मदरबोर्ड चेंज होगा, ये सारी बातें बताई। सर्विस सेंटर वाले इसके लिए 7-8 दिन मांग रहे थे, जबकि सर्विस जो लोकल सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो इसके लिए 3-4 दिन का टाइम मांग रहे थे। वो बोल रहे थे कि हम इसको पहले चेक करेंगे पूरा, और इसके बारे में इसकी बैटरी को पूरा चार्ज करके देखेंगे, 1-2 दिन उसमें लग जाएगा, और ऊपर से 2500-3000 रुपये के बीच में सबकी डिमांड थी। लेकिन फिर मैंने उनको फ़ोन दिया नहीं, मैं फ़ोन वापस लेकर आया और मैंने इसके बारे में YouTube से थोड़ा सर्च किया कि आखिर क्या रीज़न हो सकता है। तो बाद में मैंने सब कुछ इसका चेक किया और मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पर कनेक्टर होता है, ये कनेक्टर आप देख सकते हैं, ये वाला ये इसका लूज था, ये सिर्फ मैंने इसको पुश किया यहाँ से आकर, इस तरह से दबाया और कुछ नहीं किया, ना इसका मैंने बैटरी चेंज किया, ना ये पोर्ट चेंज किया, ना ही USB केबल को चेंज किया, तो ये फ़ोन अचानक से चार्ज होने लगा और 100% चार्जिंग ये सिर्फ 1-1.5 घंटे में हो जाने लगी। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी चार्जिंग 58% है, जो कि अभी 1/2 घंटे भी इस फ़ोन को चार्जिंग में लगाए हुए नहीं हुआ था, और जबकि पहले इसको रात भर चार्जिंग में लगाने से इसकी चार्जिंग सिर्फ 8-10% ही बढ़ती थी, लेकिन अभी इसकी चार्जिंग 100% 1 घंटे में फुल हो जाती है और बहुत ही अच्छा काम करने लगा है। अगर आप लोगों के पास भी कोई मोटोरोला का फ़ोन हो या कोई भी फ़ोन हो उसमें यहाँ पर कनेक्टर होता है, ये लूज हो जाता है। कनेक्टर लूज क्यों होता है? ये इस कारण से लूज होता है, आप फ़ोन यूज करते करते कई बार फ़ोन गिर गया, अगर पॉकेट से निकाला फ़ोन गिर गया, आप झुके फ़ोन गिर गया, तो इस तरह से किसी भी रीजन से फ़ोन गिर जाता है तो कनेक्टर ये लूज हो जाता है, तो जिसको हम सिर्फ प्रेस करके हम इसको सही कर सकते हैं, जबकि टेक्नीशियन उनको आखिर पता नहीं होता या वो जानकर बताते नहीं हैं, तो ना ही कुछ इस तरह की YouTube पे जानकारी है इसके बारे में कि कोई कनेक्टर सिर्फ पुश करने से चार्जिंग ओके हो जाती है या नहीं, ऐसा कुछ जानकारी मुझे तो मिला नहीं अभी तक, और ना ही शायद आपको पता होगा कि इसको पुश करने से चार्जिंग इसकी ओके हो जाती है। तो अगर आपका फ़ोन भी इसी तरह का हो, उसमें चार्जिंग स्लो का इशू हो, तो आप अपने फ़ोन का बैक कवर निकाल कर, यहाँ पर ये कनेक्टर रहता है, किसी और फ़ोन में कहीं और जगह पे होगा, तो उसको ज़रूर पुश करें किसी भी सर्विस सेंटर या टेक्नीशियन के पास जाने से पहले, तो आपकी समस्या सोल्व हो सकती है और आपके 2-3 हज़ार रुपये बच सकते हैं। तो अभी मेरा फ़ोन एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और इसके बाद आप इसको रिसेट भी मार सकते हैं, फिर आपका फ़ोन एकदम नए जैसा बन जाएगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी थोड़ी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक, हर जगह पर शेयर कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिल सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में आपको किसी अच्छी जानकारी के साथ।
तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, शब्बा खैर, थैंक यू।